हेलो गाइस, तो आज जो मेरे पास क्लास है वो है आईसी रिवॉल्विंग की। असल में देखिए, आईसी रिवॉल्विंग एक मास्टर टाइप का कोर्स तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अहम रोल है मास्टर कोर्स में। मतलब ये वैसे तो मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इससे बहुत सारे काम होते हैं। यानी MMC प्रोग्रामिंग भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिवॉल्विंग आएगी। हालांकि MMC प्रोग्रामिंग के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, वो सारा हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि रिवॉल्विंग पे आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, शायद MMC पहचानने में परेशानी होती होगी। देखिए इस पर क्या लिख रहा है, मीडिया टेक। CPU और MMC बराबर में लगी होती हैं। यहाँ पर CPU पे मीडिया टेक लिखा तो ये CPU है, यहाँ क्वालकॉम लिखा होगा तो CPU है, स्प्लिट ट्रम लिखा हो तो CPU है। मोस्टली ये 3 कंपनीज होती हैं जो एंड्रॉयड को अपनी CPU सप्लाई करती हैं। तो ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे हाइनेक्स, ये कौन सी है, हाइनेक्स है, सैमसंग है, तोशिबा है, बहुत सारी MMC चलती है मार्केट में। नहीं, क्या फोकस करना है, हमने मीडिया टेक को, इसको बचाना है, इसकी पावर है, इसको भी बचा के चलना है, नहीं तो सेट बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो क्या करेंगे, पहले हम कुछ सावधानियां बरतते हैं। पेस्ट उतारते टाइम आपको हीट रखनी है आधी, जितनी हीट पर आप उतारते हो ना इनको, चार्जिंग जैक वगैरह को, उसकी आधी रखनी, क्योंकि हमें पेस्ट को बस मुलायम करना है। ठीक है, यानी उसको IC को नहीं उतारना है। और थोड़ा इधर से मारो, ऐसे मत मारो IC की तरफ से, इस पर ऐसे मारो। और ये भाई को सीधा चलना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं चलना चाहिए ऐसे। सेकंड थिंग, यानी आड़ा नहीं चलना चाहिए ऐसे करके, और कंपोनेंट नहीं हिलना चाहिए कोई सा भी। तीसरी बात, बहुत हल्के हल्के चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसे गाड़ के चलाने लगो। आप गाड़ोगे तो इसका प्रिंट डैमेज हो जाएंगे नीचे PCB में, पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा गड़ नहीं रहा है और गड़ जाएगा वो उसमें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यानी छीलना नहीं है बस, आप तो हल्का सा बैठाओ और हल्के हल्के खींच लो, इतने में काम होना शुरू हो जाएगा। और गाइस दूसरी बात, ऑन साइड पे काम करने की कतई कोशिश नहीं करना, पहले 10-20 पेस्टेड आइस हैं पुराने बोर्ड में, ख़राब बोर्ड में उतारने की प्रैक्टिस करना। अगर आपने हीट ज़्यादा कर दी तो होगा क्या, पेस्ट तो हट जाएगा, ये कंपोनेंट भी ढीले पड़ जाएंगे। अगर ये ढीले होके हिलने लगे तो ये पेस्ट के साथ में आपका जो ये कर्सर है इसके साथ में ही निकल के आ जाएंगे बाहर को। इसलिए हीट इतनी रखनी है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो भी गर्म नहीं हो पाए, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए आपकी हीट। और सेकेंड थिंग, हिलने लगे तो समझ लेना खतरा ही खतरा है, फिर हीट इतनी है कि रबड़ भी मुलायम पड़ जाए और कंपोनेंट भी हिले नहीं। बस यही एक फार्मूला है इसको सही करने का, नहीं तो हिला बैठोगे पूरा बोर्ड ख़राब कर दोगे।
यानी कि हीट में इधर से नहीं मार रहा हूँ, इधर से मार रहा हूँ, क्योंकि इधर से हीट इस पर पड़ेगी पेस्ट पर जाकर, तभी तो ये मेल्ट होगा। और जिधर को ब्लेड आपका चलेगा कटर, उधर को भी हीट भी चलनी चाहिए, कभी आगे ही रखे रहने दो और ब्लेड सब जगह घुमा दो। चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं इसको उतारने का, ठीक है। चलिए हीट शुरू करते हैं। हीट माननी हमें ऐसे ही आगे का टापा हटा दो इसका, और हीट हमें उस जगह से देनी है, यानी कि ये जो हमें ब्लेड बढ़ाना है उस जगह से बढ़ाना है जहाँ पर कंपोनेंट कम लगे हो। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ कंपोनेंट कम है, एक आधक को उड़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उड़ा दो उसको। लेकिन कैपेसिटर डायोड नहीं, बल्कि उड़ाओ मत भैया, ध्यान रखो। अभी चौड़ी वाली में 70 अंप लगा रहा हूँ, इससे टेम्परेचर बराबर लगता है सब जगह। MMC उतारने से पहले उसका एक फ़ोटो ले लिया करो आसपास के कंपोनेंट समेत, ताकि कहीं दिक्कत पड़े तो उसको हम रजिस्टर कैपेसिटर उड़ जाएंगे तो साइड में दिक्कत आएगी। ये हमारी MMC उतर गई, देखिए इसमें कोई बॉल डैमेज नहीं हुई है, ठीक है, कोई बॉल डैमेज नहीं है। वजह यह है अगर मैं इसको इस नोज़ल के साथ उतारता तो ये यहाँ हीट पड़ रहे होती और यहाँ की बॉलें खाली रह जाती, हीट नहीं पड़ती और ये एकदम झटके में उठ के आती, तो ये बॉलें उखाड़ के लाती साथ में। यही एक ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, इसको यूज़ क्या करो। थोड़ा सा शोल्डर ले लो और यही शोल्डर सबको खींच के लाएगा, लोहा ही लोहे को काटता है। और मेरा आयरन जो है बोर्ड पे बहुत हल्के हल्के चलना चाहिए, बस इतना कि बस मामूली सा ही उड़ के आ जाएगा, खटर खटर की आवाज़ आए तो गलत है।
चलिए इसकी सफाई कर लेते हैं हम, इसके थ्रू करेंगे ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक ये बना लिया, इसका डिसोल्डर वायर का एक ब्रूज बना लिया है, और इसको थोड़ा पहले हॉट कर देता हूँ मैं, ताकि ये टेम्परेचर पे एकदम काम करना शुरू कर दे ठीक है। और हल्की हल्की हीट दे के इसको साफ करना। पहले बाहर हीट दे दो इसको, वोल्ट पे नहीं, बाहर टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे काम करो। देखो एकदम काम करने लगेगा। अभी इस पे पेस्ट है, मैं पेस्ट भी साफ करूँगा। चलिए ज़रा हम देख लेते हैं कि आईसी में कोई आईसी कोई ख़राब तो नहीं, कोई बॉल ख़राब तो नहीं हुई है। इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट? ठीक है, कोई बॉल ख़राब नहीं है, इट इज़ ओके। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोल रहा था कि ये देखिए रगड़ खाते खाते ये घिस जाते हैं। फॉर्चुनेटली ये घिसे नहीं, बस घिसे हैं, कटे नहीं हैं ठीक है। कट जाते तो फिर एक और मसला खड़ा होता, फिर उसको भी रिपेयर करना पड़ता। चलिए मैं ज़रा देख लेता हूँ कहीं पेस्ट तो नहीं है इस पर ठीक है। अब थोड़ा पेस्ट है इस पर यहाँ पे साइडों में, तो मैं बहुत प्यार से इसके साइडों को गर्म करके हल्का हल्का कटिंग करूँगा। टेम्परेचर यहाँ पे जब पेस्ट का नंबर आएगा तो टेम्परेचर कितना करना है, आधा। यहीं पर कहानी ख़राब हो जाती है और यहीं कहानी ठीक हो जाती है। इसको भी पता चला कि वो पेस्ट को भी आईसी उतारने के टेम्परेचर पर अगर आप उतार रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो फिर बोर्ड फूल जाएगा ठीक है भैया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एक एक्सपर्ट बनने के लिए। सावधानी से काम करेंगे, काम भी होगा, पैसा भी बनेगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता तो क्या होता, सारे कंपोनेंट पीछे और फिर लेके बैठ जाते हम उसको, क्या क्या करें अब। इसलिए देखिए टेम्परेचर हल्का रखने का फ़ायदा ये मिला हमें ठीक है। ये उखड़ के नहीं आएगा अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, बस ग्लू काटेगा ये ठीक है। इधर भी ग्लू है, अब ग्लू क्यों काट रहे हैं भैया, आईसी तो उतार दी भैया, लगाओगे भी तो एक ही बार पाला थोड़ी पड़ना है, ईमानदारी का सौदा है। या इसी बिल्कुल साफ होनी चाहिए यहाँ से ठीक है। ये कैपेसिटर थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देंगे, जब आईसी लगाएंगे तो टेढ़ा सीधा कर देंगे इसको। आ जाओ सेंटर पर ही बैठा हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह भैया, एमएमसी हमारी लग गई और बिल्कुल साफ़ सुथरी है ठीक है।